मुझे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं आ रहा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको मेरे साथ एक ज्वेलरी शॉप पे चलना होगा। वजह? वजह मैं बता दूं, लेकिन पहले आप गाड़ी में बैठे। ओके। ये ने भाई ठंडा ठंडा जूस। नाइस टू मीट यू। थैंक यू बाबू भैया। मत्ती भाई, अल्लाह हिदायत दे ऐसे कम अकल लोगों को जिन्हें डॉक्टर्स का जरा एहसास नहीं। उन्हें लगता है कि जिंदगी और मौत हम डॉक्टर्स के हाथ में है, और हम जानबूझकर मरीजों को मौत के कुएं में धकेलते हैं। लो भाई, ऐसा करने से कितनी नफलों का सवाब मिलेगा तुम लोगों को? ये माला दिखाई नहीं दे रही, किधर है? वो ट्यूटर के साथ लंच में गई है बाबू भाई की परमिशन से। प्रपोज किया है उसने। क्या? उसने ऐसा सोचा भी कैसे? मती, कह दो इस भगोड़े से, जैसे इसने सोचा था, अगर ये अपनी पसंद की शादी कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकती? हमें सुन लिया? बाबू भैया, ये तो लड़का है ना। चाची, क्या लड़कियों की कोई फीलिंग्स नहीं होती है? कि हमारे समाज में डबल स्टैंडर्ड क्यों है लड़के और लड़की को लेकर? अरे बात स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब कोई ठंका लड़का तो पसंद करती। मती, पूछो इस नालायक से कि क्या क्राइटेरिया है ढंग के लड़के का इसके सेहत में। बताओ भाई, क्या क्राइटेरिया है ढंग के लड़के का? कम से कम वो बेवा तो ना हो ना। बेवा नहीं, रंडवा कहते हैं यार। अरे भाई, एक बच्ची का बाप है वो। मती, बता दो इसको कि इसका बाप भी बेवा है, रंडवा। हाँ भाई, आपका वो बाऊजान भी समझ गया ना। लेकिन कम से कम आपने शादी तो नहीं की ना। कर लेता तो अच्छा था। बाबू भैया, मैं तो कहता हूँ एक दफा शादी कर ही ले आप तो अभी भी जवान है। लेकिन बाबू भैया, सच पूछे ना, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे इस लिहाज से देखा जाए ना तो मुझे भी नहीं पसंद आया। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे सिग्नल अभी तक उड़े हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा बेबी का किधर गई है यार। लो, इसे अपनी बेबी डॉल की पड़ी है, और यहाँ किसी को फिक्र नहीं कि हमारी बच्ची के इतने बेसुरे रिश्ते आ रहे हैं। कहाँ है रोमी? अभी यही तो पता नहीं चल रहा, फिर गायब हो गई है। अच्छा रिलैक्स, ये लो। हाँ ये लो यार, जूस लो। हाँ, अरे भाई मुझे प्यास भी नहीं लग रही। थोड़ा पी ले भाई, थोड़ी तो एनर्जी आई तुम्हारे अंदर। सैड हो गए जब से। हाँ